दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से आ गए एक बहुत सस्पेंस से भरी और थ्रिलर से भरी मूवी का ट्रेलर लेकर, जिसका ट्रेलर अभी कुछ घंटे पहले जारी किया गया। तो हम पहले ट्रेलर देख लेते हैं, फिर हम आपको मूवी के बारे में और उस सस्पेंस के बारे में बताते हैं कि उस मूवी में या उस मूवी के ट्रेलर में क्या सस्पेंस है। तो पहले ट्रेलर देख लेते हैं, इसके बाद में हम आपको बताते। तो ट्रेलर को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है। चालीस मीटर दिखाया। अच्छा, पुलिस वाले उतरे। मर्डर कैसे हुआ पता चला। सही बात है, लैब में जाके पता चलेगा। कोविड में कम लोग हैं ना, 2-2 घंटे पापा उसके कह रहे बाहर झोंकता रहना। अच्छा, जल्दी क्रैक कर ली। आप दोनों परसों रात यही थे, ये कोई और कंफर्म कर सकता है? मतलब कौन मिसिंग है? मेरी बच्ची परीक्षा मिश्रा नाम है। हाँ, प्रज्ञा मिश्रा मिसिंग है। डीजे पर जाता है? काली गाय को दे रहे हो सर, आपके बच्चे लोग को पूछो एक फॉर्म क्या होता है। आपके बच्चे लोग अच्छा, ये डीजे बजा रहे हैं। लोग तेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं नहीं मालूम। जोन करना आवाज से कहूं, वहां का नाम मत ले, तेरे को पता है सैंडी, मुझे वो डायरी पे काम नहीं करना है। आंटी बिल्कुल ये लो, आंटी पिटी कुछ तो चक्कर लो। 100% इस मर्डर में अब 1 घंटा है, कन्फेशन आपके टेबल पर आ गया। हंस रही है। चक्री चला रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ, लड़ाई में ईगो बनना जरूरी नहीं, दुनिया अपने हिसाब से नहीं चलती। इक्कीस जुलाई को आ रही, मीनस 31। नागपुर में हुए एक कांड पे आधारित है और उसी में दिखाया जाता है कि मीनल मिश्रा होती है, उनका मर्डर हो जाता है और वो कहानी उनके आसपास घूमती रहती है। और सस्पेंस इस मूवी में ये है कि पूरी पुलिस फोर्स इस काम के लिए लगी है कि कैसे अपराध को जो बढ़ रहा है ना, जो बार बार हर जगह अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो उसको रोका जाए। और इसी में ट्रेलर में दिखाया जाता है कि डीजे वाले जो होते हैं ना लड़के, उनका उनसे झपड़ हो जाती, मतलब कुछ खास नहीं हो जाती है। वो कहते भी हैं इसमें कि साहब अपन को ऐसे नहीं बोलने का, और अगर आपका बच्चा होता तो क्या आप ऐसे बोलते हैं। और उसमें एक बूढ़ी आंटी दिखाई जाती है, बहुत बूढ़ी होती है, वो भयानक आंख निकालती है और पुलिस से भिड़ जाती है, तो उनको वो पकड़ के ले जाते हैं और मारपीट करते हैं। ये मूवी बहुत सस्पेंस है, क्राइम थ्रिलर में होता है ना कि वो उसमें पुलिस पीछा करती रहती है, ऐसे ही मूवी है मीनस 31। तो ये मूवी अच्छी जाने वाली है और 21 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली है। तो तैयार हो जाइए। नागपुर माइनस 31 द नागपुर जो मूवी बनी हुई है, जो अभी आ रही, जिसका ट्रेलर अभी आपने देखा, ये मूवी बहुत अच्छी जाने वाली है। ये सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी, इसमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले कितनी मेहनत करते हैं। और एक बाप अपनी बेटी को समझाता है कि मैं तो अभी तक झक मारता रहा हूं, मैंने भी पुलिस की ड्यूटी की है। वो लड़की कहती है कि हर 2 घंटे में कोरोना टाइम पे हर 2 घंटे में ड्यूटी लगती थी। तो उनके पापा कहते हैं कि मैंने झक नहीं मारी है, मैंने भी इतनी मेहनत करके पुलिस की नौकरी की है और अब तुम पुलिस की नौकरी कर रही हो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बाप होता है जो अपनी बेटी से कहता है सेविंग करते हुए कि तुम एक रात जेल में रही हो, तुम्हें अब कौन नौकरी पर रखेगा। तो ये मूवी सस्पेंस से भरी है और उसमें एक लड़की का मर्डर हो जाता है, तो इसलिए ये मूवी सस्पेंस से भरी है और थ्रिलर से भरी हुई है। मूवी बहुत अच्छी जाने वाली है, इसमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले कितनी मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर फाइल आपके टेबल पर होगी, तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो हंसते हैं। वो क्यों हंसते हैं वो तो मूवी देख के पता चलेगा। ट्रेलर में तो यही दिखाया गया कि वो हंस रही हैं, मतलब एक सस्पेंस की हंसी अलग होती है, वो खुशी से नहीं हंस रही, वो सस्पेंस की हंसी हंस रही कि 1 घंटे के अंदर टेबल पे उनकी फाइल कैसे होगी। तो ये मूवी बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर आपको सस्पेंस जैसे क्राइम पेट्रोल है या
सावधान इंडिया, ये आप सब कुछ देखते हैं ना, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि इसमें जब किसी एक लड़की का मर्डर होता है तो जब सस्पेंस होता है तो वो कहते हैं कि लैब में जाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका मर्डर कैसे हुआ। और जब पुलिस आसपास पूछताछ करती है कि जब तुम यहाँ पे थे तो क्या रात को तुमने उनको देखा, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि पापा हमारी ये बात समझेंगे। और वो लड़की उसमें दिखाया जाता है कि बाप बेटी में हमेशा झगड़ होती रहती है, आपस में लड़ाई झगड़ा थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। और एक तरफ दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाली होती है, उसके मतलब पिताजी होते, बाप होता है, तो उन दोनों में प्यार भी दिखाया जाता है। जितना प्यार दिखाया जाता है उन दोनों में उतनी लड़ाई झगड़ा भी और नोकझोंक भी दिखाया जाता है। इसलिए वो भी बहुत अच्छी जाने वाली है और 21 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली है। और ये जितना भी क्राइम फैल रहा है ना चारों तरफ, उसके बारे में जागरूक करने के लिए उसमें दिखाते हैं कि पुलिस कितनी मेहनत करती है, प्रशासन कितनी मेहनत करती है कि कहीं भी कोई मर्डर ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हमेशा शांति बनी रहे। ऐसा पुलिस वाले पूरी कोशिश करते हैं, वो उनके ऐसे करके जो कोरोना टाइम पर टेस्ट होता था ना, वो ऐसे करके सुई लगा लेते, वो ऐसे चौंक जाते हैं। तो ये सारी सीन उसमें दिखाई गई है और हॉस्पिटल के दिखाई गई, और वो लड़कों को बुला के पूछताछ करते हैं तो वो अपनी भाषा में, वो डाकू की भाषा में कहते हैं कि साहब ऐसा मत बोलो, अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होता तो कैसा होता। तो ऐसा मतलब सस्पेंस और थ्रिलर, और बहुत सारे लड़के इसमें शामिल हैं, मतलब लड़कियां शामिल हैं, मतलब सबकी स्टोरी दिखाई जाती है, बहुत अच्छी जाने वाली है। तो आप जरूर देखिए इस मूवी में जो कलाकार हैं उसमें, ऋचा ईमानदार हैं, रघुवीर यादव हैं, राकेश शर्मा हैं, संतोष जुबेकर हैं, शिवांकित परियार, देवाशीष नाहा हैं, जिन्होंने इसमें बहुत सारे लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। और ये सब एक बड़े बड़े कलाकार हैं, मतलब क्राइम के मामले में, क्राइम के जो सीन होता है ऑन स्पॉट उसमें जो जितने भी ये कलाकार हमने आपको बताए, ये सब एक से बढ़कर एक है, एक से एक बढ़कर धुआंधार कलाकार हैं। ट्रेलर बहुत अच्छा था, सस्पेंस से भरा था, इसमें सारे नागपुर की कहानी दिखाई गई है, क्योंकि मूवी का नाम ही है 30-31 द नागपुर फाइल्स। तो ये मूवी का ट्रेलर था जिसका हमने रिएक्शन दिया। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो रिएक्शन वाजेलियन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। और जितने भी ट्रेलर आते रहेंगे हम आपको उनका रिएक्शन देते रहेंगे, आप कमेंट जरूर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।